ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि हमारे पास एमएस एक्सेल के अंदर जो होम टैब है, उस होम टैब के अंदर एक ग्रुप है जो अलाइनमेंट ग्रुप है। क्योंकि आपने ऑलरेडी वर्ड या पावर पॉइंट के अंदर ये दोनों ग्रुप पढ़े हुए हैं, तो इससे हम शुरू नहीं कर रहे, हम शुरू करें किससे? अलाइनमेंट ग्रुप से। तो ये अलाइनमेंट ग्रुप करता क्या है, इसका काम क्या होता है? तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सेल के क्या होते हैं, हमारे पास ये जो सेल्स होते हैं इनको सेल कहा जाता है, ये जो आपकी शोर है सेल कहा जाता है, इनको रोज कहा जाता है और इनको कॉलम्स कहा जाता है। ये जो आपको ए बी सी वॉट एवर जो दिख रही है ये कॉलम्स की हेडिंग है, ये जो 1 2 3 4 दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, रोज की हेडिंग है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हमारे पास किसी भी रो किसी भी कॉलम के अंदर जब आप डेटा लिखते हैं तो हमारे पास सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? सेल। और अगर मैं किसी सेल के अंदर फॉर एग्जांपल अली लिखता हूं, अली एक्चुअल में हमारा डेटा है जो हम लिखना चाह रहे हैं। अब अली को अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमारे पास अली को इवन सेल्स को अलाइनमेंट करते हैं। आपने पढ़ा था जब हम वर्ड के अंदर काम करते थे तो वर्ड के अंदर आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइनमेंट करते थे, या पूरे डॉक्यूमेंट के जितनी भी चीजें होती थी उनको अलाइन करते थे, है ना? या तो राइट, या तो आप समझ लें लेफ्ट में, या तो सेंटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसी तरह से अगर आपको इस सेल के अंदर लिखा हुआ डेटा सेंटर में चाहिए तो आप अब यहां पे सेल पे आप जो है चीजें अप्लाई करते हैं, सही है? या मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करके आप यहां से आके अलाइनमेंट दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कि सेल के सेंटर में डेटा शो होना चाहिए तो आप क्या करते हैं, यहां से सेंटर, सेल के राइट में डेटा शो होना चाहिए तो राइट, सेल के लेफ्ट में शो होना चाहिए तो लेफ्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसी तरह से कभी कभार रो की हाइट बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो इस सिनेरियो में हम जो है फिर टॉप टू बॉटम में भी आपके सेल की चीजों को एडजस्ट करवाते हैं। इसी लाइन के ऊपर आपको दूसरे कुछ ऑप्शन दिखेंगे जिसमें अभी देखें सेल में डेटा बिल्कुल बॉटम में शो हो रहा है ना, तो अगर आप मिडिल में शो करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, सही है? अगर आप बिल्कुल टॉप पे शो करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। कौन सा क्लियर हो गया? तो ये आपकी अलाइनमेंट थी, एक थी लेफ्ट टू राइट, एक थी टॉप टू बॉटम। इसके बाद हमारे पास है कि टेक्स्ट का डायरेक्शन, ये देखिए अलाइनमेंट आपके पास शो हो रही है कि आप जो है एंगल क्लॉकवाइज देना चाहते हैं या आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज देना चाहते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा सीरियल नंबर या एक्सेल की शीटें देखी होंगी जिनमें इस तरह से हम चीजें देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हमारे पास चीजें होती हैं कि हम यहां से आके इंडेंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट आपने पढ़ा था, पैराग्राफ को लेफ्ट से मूव करना होता था, पूरे पैराग्राफ को। इसी तरह से यहां पर देखिए एक होती है अलाइनमेंट जो फिक्स सेंटर में रखेगी, या तो फिक्स लेफ्ट में रखेगी या तो फिक्स राइट में रखेगी, लेकिन आपके इस इंडेक्स की वजह से या इंडेंट की वजह से आपके पास क्या होता है, एक्चुअल में इस इंडेंट की वजह से या तो आप मैन्युअली थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं चीजों को या तो थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सेल के अंदर डेटा अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं, एक सेल तो नहीं मल्टीपल आप सिलेक्ट करके उनको भी कर सकते हैं। जैसे मैं जो है यहां पर आके लिखता हूं गुल, और यहां पे आके इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करता हूं, इन दोनों का इंडेंट इंक्रीज करना चाहूं या डिक्रीज करना चाहूं तो एक साथ कर सकता हूं। इस तरह से देखें इवन नेक्स्ट जो है सेल में भी मूव हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इस तरह से। उसके बाद हमारे पास जो जो है एक दूसरा ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और कॉन्टेक्स्ट। तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हमने पढ़ा था कि एमएस वर्ड के अंदर अगर आपको उर्दू सिंधी या इस तरह की कोई लैंग्वेज लिखनी हो जो इंग्लिश से चेंज होके है, या जो राइट से लिखी जाती है, क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट से लिखते हैं ना, तो इस तरह के सिनेरियो में आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर यहां से आके मैं क्या करता हूं, राइट टू लेफ्ट करता हूं, और यहां से मेरे पास अभी मैंने इंग्लिश चूज की हुई है, अगर मैं सिंधी लिखना चाहूंगा तो मेरे पास राइट से चूज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से इवन इंग्लिश भी लिख सकते हैं आप राइट से, अगर इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं, देखिए राइट से लिख रहा है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इंग्लिश राइट से भी लिखना चाहें तो राइट से भी लिखी जा सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास जो बाकी ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, इसका बहुत अच्छा काम होता है। देखिए इसके ऊपर जो इसने इमेज दिखाई हुई है किस तरह से, रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। अब देखें सबसे पहले होता यह कि अगर मैं किसी सेल के अंदर फॉर एग्जांपल लिखता हूं समथिंग
तो देखिए समथिंग में क्या हो रहा है, अगर मैं इंटर करूंगा तो देखिए समथिंग जैसे मैंने लिखा, सॉरी सम का एस नहीं है, है तो सही लेकिन हाइड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहां से कुछ स्क्रॉलिंग की हुई है। चले इस सेल में लिख देते हैं, इसको कट करके यहां मैं पेस्ट कर देता हूं थोड़ा आइडिया देने के लिए। ये देखिए वो क्या आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने जो है इंडेक्स अप्लाई किया, सॉरी इंडेंट अप्लाई किया, तो इस वजह से तो मैं यहां पे आता हूं। अब मैं यहां पे लिखता हूं समथिंग इस तरह से। अब देखिए क्या शो हो रहा है, हमारे पास समथिंग एक्चुअल में इस सेल में लिखा गया लेकिन इस सेल के ऊपर शो हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हमें क्या करना चाहिए था, या तो आपको इस पूरे कॉलम की चीजों को क्या करना था, आगे करना था, ऐसे ही है। लेकिन जब आप प्रिंट करते हैं तो फिर मसले आते हैं, ठीक है, एक सेल बड़ा हो जाता है या एक कॉलम बड़ा हो जाता है ना, तो फिर मसले आते हैं। तो हम सोच रहे होते हैं यार इसको ना यहीं एडजस्ट करना चाहिए था, यानी समथिंग थिंग को नीचे होना चाहिए था इस तरह से। ऑन सब क्लियर? तो इस तरह लिखने के लिए एक्चुअल में हम रेप टेक्स्ट को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रेप टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर फिर से समथिंग लिखा, या यहां पर आते हैं, ठीक है। अब मैं इस सेल को वापस उसी सिनेरियो में लाता हूं जैसे ये था, इस तरह से। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैं उन चीजों को सिलेक्ट करूंगा जिनमें ये वर्ड जो है दूसरे सेल्स में जा रहे हैं, क्योंकि इस सेल पे क्लिक करूंगा तो देखें फार्मूला बार में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा ना। इसका मकसद ये सेल का जो डेटा है वो इसके ऊपर आ रहा है, ऐसे ही है, तो मेरे इस सेल का डेटा शो नहीं होगा। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना है और यहां पर आके रेप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट कर लेगा, सही हो गया। फिर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आके लिखता हूं कि जो है हम लिखते हैं कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा वर्ड है, तो जाहिर है ये भी नेक्स्ट जो है सेल में जाएगा। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट किया और रेप टेक्स्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो एक ही जो है सेल में अगर आपको डेटा सेट करना है तो आप कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास दो वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप चाहते हो मैं बार बार जाके रेप टेक्स्ट ना करूं, तो फॉर लिखें फिर लिखें अल्टर प्लस इंटर। क्या अल्टर प्लस इंटर लगाएंगे और फिर यहां पे आके आप लिखेंगे एग्जाम्पल और इंटर करेंगे तो यही एडजस्ट हो जाएगा। रेप टेक्स्ट जो है उसकी शॉर्टकट की है अल्ट प्लस इंटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस तरह से। उसके बाद है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में यह होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ सेल होते हैं उन सारे सेल्स को आप मर्ज कर सकते हैं। कभी कभार हमारी जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई मार्कशीट या मुझे कोई ऐसी एक्सेल की शीट चाहिए जिसमें मुझे कोई हेडिंग डालनी है, तो मैं इन पूरे सेल्स को सिलेक्ट करके क्या कर दूंगा, मर्ज एंड सेंटर, ताकि मैं इसमें कोई हेडिंग लिख सकूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सपोज मैं इसकी एक्सेल की शीट बनाने वाला, फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो मैं यहां पर आके इस सेल की जो चीजें हैं फिर इनको मॉडिफाई करूंगा, ठीक है, फिर मिडिल या इस तरह से मैं एडजस्ट कर दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर मैं बाकी चीजें यहां पे लिखना शुरू कर दूंगा। तो आपको मर्ज एंड सेंटर की इस तरह से जरूरत पड़ती है। अच्छा, कॉलम्स ही नहीं, आप रोज को भी मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दो जो है रोज को मर्ज करना है, तो आप इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। वो कैसे होगा, यहां से आके सिर्फ मर्ज एंड सेंटर कर दो, तो देखें ये आपका पूरा जो है दो रो थे उनको भी मर्ज कर लिया। क्लियर है? तो ये था अलाइनमेंट ग्रुप इन होम टैब इन एमएस एक्सेल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।